धरती पे कहीं नहीं पूरे चांद पर इन्होंने जमीन खरीदी है। कमी रह गई थी वरुण भाई साहब कि चांद पे जमीन आपको लेनी पड़ेगी। वो खरीद सकता है फिर हम क्यों नहीं खरीद सकते? कितनी है? 2 एकड़। कुछ तो कीमत रही होगी वरुण भाई साहब। अगर आप खरीदना चाहते हो तो किसी भी प्रकार की मदद चाहिए हो तो आपको चांद पे किसी भी तरह की जमीन चाहिए तो आप संपर्क। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज है हम टोहाना के अंदर, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक टोहाना के अंदर है। दोस्तों जैसा कि हरियाणा हमेशा से ही करता आ रहा है, नेशनल लेवल इंटरनेशनल पर लेवल पर नाम करता आ रहा है, झंडे गाड़ रखे थे हरियाणा ने पूरे इंडिया में और पूरे देशों विदेशों के अंदर। वहीं इस धरती की हम बात करें तो यहाँ तो गाड़ी रखे थे, अब वरुण भाई साहब के साथ हैं, इन्होंने तो और भी एक नेक्स्ट लेवल काम कर दिखाया है। धरती पे कहीं नहीं पूरे चांद पर इन्होंने ज़मीन खरीदी है और हरियाणा के तीसरे बंदे बन चुके हैं जिन्होंने चांद पे ज़मीन खरीदी है। आज इनसे खास मुलाकात है, सारी बातें करेंगे। ऐसी कौन सी खास बात थी कि चांद पे ज़मीन लेनी पड़ी और यहाँ पर क्या कमी रह गई थी वरुण भाई साहब कि चांद पे ज़मीन आपको लेनी पड़ी? नहीं, यहाँ पे कमी तो कुछ नहीं थी। हाँ जी, हाँ जी, बात थी कि कुछ हटके करना है। हटके करना है, क्या बात? कि बेटे का पहला बर्थडे था तो उसमें था कि कुछ अलग, कुछ अनमोल चीज दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, कि खुद को ही नहीं दूसरों को भी लगेगी कुछ अनमोल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल वरुण भाई साहब, आपको बता दूं मैं कि आप हरियाणा के सिर्फ तीसरे बंदे हो जिन्होंने ये कर दिखाया है कि चांद पे ज़मीन खरीदी है। बहुत यूनिक सी बात है और दोस्तों हमेशा से हरियाणा वाले कुछ अलग ही करते आए हैं और आज फिर वरुण भाई साहब ने एक हरियाणवी होने का फ़र्ज निभाते हुए चांद पे ज़मीन खरीदी है। हाँ जी वरुण भाई साहब, सबसे पहले जो अपने भाई बंधु देख रहे हैं इनको अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, भी कहाँ के रहने वाले हो और क्या कुछ अपना कारोबार है? मैं टोहाना से, मेरा नाम वरुण है, टोहाना से मैं रहने वाला हूँ। हाँ जी। और काम में अगर बात करें तो एग्रीकल्चर भी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बिजनेस भी हैं खुद के। क्या बात है। तो बस यही कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वरुण भाई साहब, सबसे पहले कैसे दिमाग में आई ये चीज़? अभी हर एक बंदे का मन करता है भी हम कुछ अलग करें, पर आपके मन में यही कैसे आई भी हमें चांद पर ही ज़मीन खरीदें, या कैसे आई भाई साहब, क्या किसको देख कर आई? देखो बच्चों का 28 अगस्त का बर्थडे था बच्चे का। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें था कि महीने दो महीने से प्रोसेस स्टार्ट था कि सोचने में था कि क्या चीज़ दी जाए कि कुछ हटके हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोचते सोचते बस दिमाग में आया कि सुशांत सिंह राजपूत की बहुत फेमस हुई थी उनका। हाँ जी, कि हाँ उन्होंने चांद पे जमीन खरीदी है, सब हर एक को लगभग पता ही था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें था कि वो खरीद सकता है फिर हम क्यों नहीं खरीद सकते, हम क्यों नहीं खरीद सकते, क्या बात है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। तो फिर उसमें फिर वो ठान लिया कि चलो अब यही कुछ ऐसा कुछ किया जाए कि हम भी करें। सही है, बिल्कुल। तो बस फिर वो स्टार्ट हो गया था प्रोसेस। स्टार्ट हो गया था। सही है वरुण भाई साहब। अच्छा एक बात और बता दीजिए, अपने जो भी भाई बंधु देख रहे हैं कि आपने चांद पे ज़मीन खरीदी है वो कितने एकड़ है, या फिर गज के हिसाब से या फुट के हिसाब से? नहीं, वहाँ पे एकड़ के हिसाब से होता है और मापने का भी कईयों को होता है कि पटवारी तो है नहीं, मापें कैसे भाई उसको? क्या बात है, सही बात है। तो उसमें अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो लंगिट्यूड और लोटिट्यूड होता है। सही बात है, बिल्कुल होता। तो GPS में होता है वो, तो उसके थ्रू आपको मेजर करके प्रॉपर ऐसे एक वायर करके देते हैं वो। हाँ हाँ। तो उस हिसाब से कितनी है? 2 एकड़ है। 2 एकड़ दोस्तों, वरुण भाई साहब ने चांद पर 2 एकड़ जमीन खरीद ली है। अच्छा जैसे कि आपने बताया वरुण भाई साहब कि आप सुशांत सिंह राजपूत से इंस्पायर थे, उसके अलावा भी आपका कुछ अलग करने का मन था और हरियाणवी खून होने के कारण आपने वो कर भी दिखाया। अच्छा वरुण भाई साहब, आपने बताया कि बिजनेसमैन हो और साथ में एग्रीकल्चर का है, तो वहाँ अपना क्या प्लान है कि खेती करने का है, कुछ शोरूम लगाने का है, या फिर जो हरियाणा में आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि अकेडमियां बहुत खुली हुई है, शिक्षण संस्थान बहुत खुली हुई है, तो अपना क्या प्लान है आगे का? नहीं आगे अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी इस तरह का कोई अभी प्लान नहीं है। सही है, सही है। तो अभी तो देखते हैं कि उस चीज में क्या करना चाहिए बेटर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ प्लान नहीं है। प्लान नहीं है। सही है, सही है। अच्छा वरुण भाई साहब, जैसे कि अभी आपने खरीद दी है 2022 के अंदर, तो आगे का क्या कुछ प्लान है? जैसे कि आपके पास तो सब कुछ अपडेट होती होगी भाई, आगे जैसे ही चांद पर यदि लोगों को ले जाया जाना शुरू किया जाएगा तो आपका कुछ प्लान है पहली बारी में, या थोड़े दिन रुक कर कुछ ऐसे? हाँ, उसमें अकॉर्डिंग टू टाइम भी मेजर करते है कि क्या समय चल रहा है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। सही है, सही। कोशिश तो यही रहेगी कि जाके एक बार आपको देख के तो आए क्या प्रोसेस क्या होता है। तो सही है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वरुण भाई साहब, काफ़ी चर्चा में हुआ आप हरियाणा के अंदर कि एक बंदा है जो हरियाणा से है और उन्होंने चांद पे ज़मीन खरीदी है, तो उसके बाद से लोगों का क्या रिस्पांस आ रहा है? अभी कहने का मतलब है, क्या इमेज आपकी बन उभरी है बनी है इस एक इंसिडेंस के बाद में? उसमें देखो इमेज में तो चलो बहुत बढ़िया रहता है उसका। हाँ जी, कि हाँ जी। आपकी जान पहचान बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो अपन ने ये चीज़ किया लेकिन इमेज के लिए नहीं की। देखो हर कोई सोचता है कि फेमस हो, लेकिन अपने को कुछ था कि बच्चों को कुछ अनमोल दिया जाए। अनमोल दिया जाए, सही वो है, तो सही देखो है। जब भगवान ने देना होता है तो वो ऑटोमेटिक आपको मिल ही जाता है। क्या बात है दोस्तों, सही बात है भाई साहब, सही। अच्छा वरुण भाई साहब, एक आपने जैसे कि अनमोल बताया, हर एक गिफ्ट अनमोल होता है, तो भाई साहब अनमोल है, इसमें कोई दोराई नहीं है, इतना ज़्यादा अनमोल है कि आज हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं, आपके पास हैं, पर फिर भी कुछ तो कीमत रही होगी वरुण भाई साहब इसकी, या फिर प्रोसेस वगैरह चल रहा है इसका? नहीं, जब अनमोल ही आ गया तो कीमत तो मायने ही नहीं रखती। बिल्कुल बिल्कुल, जायज बात है, सही बात है। देखो उसमें कोई इतना वो नहीं है। हाँ हाँ। जब चीज ही अनमोल देनी है तो फिर प्राइस है, पे हम ध्यान नहीं देना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर रहता है। सही है सही है सही है, बिल्कुल बिल्कुल वरुण भाई साहब। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ कि चांद पर भी प्लाट और ज़मीनें, जो एकड़ में ज़मीनें कटनी शुरू हो गई है, यदि आपको भी ख़रीदनी है तो आप प्रोसेस देख सकते हैं। तो वरुण भाई साहब, इसका क्या कुछ प्रोसेस रहता है, कौन इसकी रजिस्ट्रियाँ करता है, या फिर कौन सी अथॉरिटी है जो कि हमें ये प्रूफ देती है कि आपकी चांद पर इस जगह ज़मीन है? न्यूयॉर्क रजिस्टर्ड है ये। अच्छा। वैसे तो पूरे वर्ल्ड के एक बना हुआ है इनका। हाँ जी, सोसाइटी। हाँ जी। जैसे यूएन होती है ऐसे इनकी लूनर नाम से सोसाइटी है। लूनर। हाँ जी, तो हाँ जी। वो अथॉरिटी देती है कि अगर आप लेना चाहते हो तो आप वहाँ से ले सकते हो। सही है सही है। अच्छा वो ही सारा प्रोसेस करती है कागजात वगैरह में, हमारी जो यहाँ पर जो रजिस्ट्रियाँ वगैरह चलती है उसी तरह वो हमें कागज़ देती है जिन पर लिखा होता है प्रॉपरली। हाँ, प्रॉपर मेजर दिया होता है। हाँ जी। लोकेशन वगैरह दी होती है। हाँ, आपका नाम आता है, सीरियल नंबर तक आता है कि जो आपकी रजिस्ट्री का सीरियल नंबर जैसे है, होता है, है। सारा कुछ बिल्कुल प्रॉपर होता है, जेन्युइन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वरुण भाई साहब, बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत यूनिक सी बात है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि हरियाणवी अलग ही रहते हैं अपने काम को लेकर, और आपने भी ये कर दिखाया कि एक ऐसा काम कर दिखाया, लव जो कि इनका बेटा है उनको सिर्फ एक साल के अंदर ही इन्होंने चांद पे ज़मीन लेके दी है, और बहुत यूनिक सी बात है, इतनी ज़्यादा यूनिक है कि पूर्वी हरियाणा के अंदर 2011 की आबादी की बात करें तो 2,53,00,000 के हिसाब से सिर्फ तीसरे बंदे ऐसे हैं जिन्होंने ये कर दिखाया है। अच्छा वरुण भाई साहब, एक तो आपने काम कर दिया, इसके अलावा भी आगे का कोई प्लान है क्या, कुछ ऐसे नेक्स्ट बर्थडे पर या फिर और कुछ अलग? नहीं, अभी बर्थडे को भी देखो बहुत टाइम है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, और टाइम पे देखते हैं कि ऐसा नेक्स्ट बर्थडे पे क्या किया जाए। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। मन में था कि पहला है तो सही कुछ हटके किया जाए, तो उसी वजह से इतना जुनून आया और ये करके देखा। अच्छा अच्छा वरुण भाई साहब, आपके माता पिता का क्या क्या रिस्पांस रहा अभी आपने जब भी उनको इसके बारे में बताया कि हम ऐसा काम कर रहा हूँ मैं, या फिर ये जब आपके पास सारे कागजात आ गए उस टाइम? मैंने किसी को भी नहीं बताया था। अच्छा, अच्छा। कि मैं सिर्फ मेरे मन में थी। हाँ। और मैं अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन वगैरह पूरी कर रहा था। हाँ। कई बार होता है कि आप किसी को बता दो बिल्कुल तो वो काम में भी पूरा नहीं हो पाता, कई बार अड़चने आ जाती है। हाँ। होता है ना कि जैसे भी बंदा बोलता बोलता है करता कुछ है नहीं है। सही बात है। तो उसमें था कि मैं पहले करके दिखाऊँ फिर मैं किसी को बोलूँ। सही बात है। तो मैंने पहले करके दिखाया, उसके बाद जब बर्थडे था तो उस दिन मैंने माता पिता को, अपनी वाइफ को, सबको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने किया है। क्या बात है। तो उस टाइम माहौल अच्छा था, खुशी का माहौल था। खुशी का माहौल था। हाँ। एक ऐसी चीज थी जो कि आज तक पूरे हरियाणा में सिर्फ 2-3 बंदों ने की है। हाँ। अच्छा वरुण भाई साहब, आपको इसका पता था भी आपका कौन सा नंबर है हरियाणा में? ना, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा अच्छा। कि हाँ। ऐसा कुछ था कि आपका नंबर है या कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल वरुण भाई साहब, वो जैसे कि हम ऐसा किसी का इंटरव्यू करते हैं तो उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो मैंने पाया कि आपका तीसरा नंबर है हरियाणा के अंदर, और वो भी बहुत बड़ी बात है वरुण भाई साहब, क्योंकि फतेहवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक हाँ, और इतना हरियाणा के अंदर जो कि अपनी एक बहुत ज़बरदस्त रेपुटेशन रखता है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो आपने तो वर्ल्ड को भी पीछे छोड़ दिया, आपने तो सीधा टारगेट किया मून को। अच्छा वरुण भाई साहब, जो भाई बंधु ये खरीदना चाहते हैं या फिर कुछ चाहते हैं भी हम भी कुछ ऐसा करें, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप?
कोई दिक्कत नहीं, अगर आप खरीदना चाहते हो तो किसी भी प्रकार की मदद चाहिए हो तो आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहीं जानकारी चाहिए आप पूछ सकते हैं। अच्छा 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 वरुण भाई साहब, एक एक बात मैं कहता हूँ, आप वैसा कहना ठीक है, यदि किसी भी भाई को चांद पे जमीन चाहिए तो वो आप मेरे से संपर्क कर सकता है, ये बोल दीजिए भाई साहब। किसी भी भाई को चांद पे किसी भी तरह की जमीन चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ जी, हमारे साथ है वरुण सैनी, प्रॉपर्टी डीलर, चांद पे जमीन कह सकते हैं वरुण भाई साहब? हाँ, आप आए हो तो आप कुछ भी कह सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल वरुण भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, काफ़ी बिजी शेड्यूल था, सुबह सुबह का दिन था और मैं आपके पास आ गया, और बहुत बहुत धन्यवाद वरुण भाई साहब, आपने अपना कीमती समय निकाला। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टैलेंट के साथ, एक नेक्स्ट पर्सन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।